हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने बीआरएस के चैप्टर को। हमने इससे पहले बैंक रिकन्सिलेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझा है, डिटेल में समझा है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। और आज हम और इलस्ट्रेशन एक करेंगे जिससे कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता चला जाए। इलस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको फिर से कैश बुक और बैंक पासबुक का डेबिट और क्रेडिट रूल बता देता हूँ। कैश बुक जो है एसेट्स होती है, तो एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट होता है, और एसेट्स डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। तो कैश बुक का बैंक कॉलम भी अगर इंक्रीज है तो वो डेबिट है, और डिक्रीज है तो वो क्रेडिट है। और अगर इंक्रीज है तो इसको हम फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। अगर ये भी आ सकता है कि कैश बुक शोज ए फेवरेबल बैलेंस, तो फेवरेबल बैलेंस मीन्स डेबिट बैलेंस, और अगर अनफेवरेबल बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक में अनफेवरेबल बैलेंस तभी हो सकता है जब बैंक ओवरड्राफ्ट हो। अब ये बैंक की पासबुक है, अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और अगर बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। इंक्रीज बैलेंस को फेवरेबल बैलेंस भी बोला जाता है, क्रेडिट बैलेंस को बैंक के लिए, क्योंकि ये लायबिलिटी है इसलिए वो क्रेडिट करता है, और हमारे लिए एसेट्स है, इट मीन्स इतना कैश इज अवेलेबल। और डेबिट साइड मीन्स हमारी पेमेंट्स हैं तो वो बैंक हमें डेबिट कर देता है। अब हम इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ये, TS ग्रेवाल। आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। 12.16 पेज पे ये इलस्ट्रेशन है। मैं धीरे धीरे एक एक ट्रांजेक्शन्स को पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा, और फिर बोर्ड पे हम BRS स्टेटमेंट बनाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। ऑन 31 मार्च 2011 बैंक स्टेटमेंट ऑफ दिनेश शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹15,650। क्रेडिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट बता रहा है, क्रेडिट बैलेंस 15,650 रुपीज़, ये दिखा रहा है क्रेडिट बैलेंस है। इट मीन्स बैलेंस अवेलेबल टू अस, है ना। अब आगे क्या कहता है, वेयर एज कैश बुक शोज डेबिट बैलेंस ऑफ ₹15,200। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 15,200, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। अब हम अगर कैश बुक लेके चलेंगे तो हमें यहाँ पे पहुँचना है, और अगर हम पासबुक लेके चलेंगे तो हमारा टारगेट होगा कैश बुक पर पहुंचना। हम कैश बुक को लेके चलेंगे और हमारा टारगेट होगा 15,650, जो बैंक पासबुक दिखा रहा है। बैंक बल्कि ज़्यादा दिखा रहा है और हम कम दिखा रहे हैं अपना बैलेंस। तो वो देखते हैं, रीजंस को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे उन्होंने ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। डिफरेंस जो तीन तरह के डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस ड्यू टू टाइम, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस, और एरर भी हो सकती है और ओमिशन भी हो सकती है। इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं वो उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए हैं, आपको लिख के बता दिए हैं। आपने सिर्फ से BRS बनानी है। 31 मार्च का है बैलेंस, BRS एज ऑन 31 मार्च 2018। स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया, BRS कभी भी बनाई जा सकती है। आप मंथली बना सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं, हाफ ईयरली बना सकते हैं, या ईयरली भी बना सकते हैं। तो ये 31 मार्च में जो BRS बनी है उसकी कुछ एंट्रीज हैं। सबसे पहले हमें लेने के चलना है बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस है कैश बुक में? डेबिट बैलेंस है 15,200, ठीक है। अब 15,200 से हमें पहुंचना है 15,650 तक। अब देखिए ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं। चेक्स इशूड टू रोशन फॉर ₹6,000 एंड टू डैनियल फॉर ₹3,840 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर रखे थे, इट मीन्स हमने अपने अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ था। हमने चेक इशू किए थे रोशन को 6,000 और डैनियल को 3,840। ये चेक इशू किए थे हमने 9,840 के। ये दोनों बंदे बैंक के पास गए ही नहीं चेक लेके, तो इसका मतलब बैंक में तो हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ ना, बैंक ने हमारे को डेबिट नहीं किया इन चेक से। तो ठीक है, फिर हम भी इसको ऐड कर देते हैं, हम भी फॉर द टाइम बिंग इसको हमने जो माइनस किया हुआ था, क्रेडिट किया हुआ था, हम भी इसको फिर ऐड कर देते हैं।
हम 9840 को हम ऐड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, क्लियर है ये आइटम। नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं। बैंक चार्ज्ड ₹350 एज बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्जेस लिए हैं ₹350 जो कैश बुक में आपको नहीं पता है। तो बैंक ने, क्योंकि हमें डेबिट किया हुआ था, हमने अपने आप को कम नहीं किया है, तो आप भी ₹350 माइनस कर लीजिए। बैंक चार्जेस, क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स को लेते हैं। नितिश डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹8,160 इनटू बैंक अकाउंट ऑफ दिनेश विच वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब एक नितिश हमारा डेटर कोई रहा होगा, उसने 8160 डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक ने कहाँ हमारे को क्रेडिट कर दिया 8160 से। हमें पता ही नहीं था, कैश बुक में मालूम ही नहीं था। तो अब हम कर लेते हैं, 8160 में ऐड कर लेते हैं। नितेश डायरेक्टली डिपॉजिटेड। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। टू चेक्स, वन फ्रॉम श्याम फॉर ₹5,150 एंड अनदर फ्रॉम कैलाश ₹12,500 वर कलेक्टेड बाय बैंक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ऑल्दो दे वर बैंक्ड ऑन 25 मार्च। अब दो चेक्स थे स्टूडेंट्स, श्याम का 5,150, श्याम का था 5,150, और दूसरा था कैलाश का 12,500। कैलाश, दो चेक से 17,650 के ये चेक हमने जमा कर दिए, बैंक में जमा कर दिए। बैंक में जमा करते ही हमने तो डेबिट साइड में दिखा दिया, बैंक ने नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। हम इसको माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि बैंक के ने क्रेडिट में तो दिखाया ही नहीं, आया ही नहीं है बैंक में। ये बैंक में आया है अगले महीने की 5 तारीख को, तो हम लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। और एंट्री देखते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ₹450 का बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया है, बैंक ने हमें दे दिया है, लेकिन हमको मालूम ही नहीं है, तो हम ऐड कर लेते हैं। अब अपने अकाउंट में हम ऐड कर लेते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹450। अब इसका टोटल देखिए, अब जो भी बैलेंस आएगा वो हमारा इतना बैलेंस होना चाहिए। हम प्लस आइटम्स को ऐड करेंगे, उसमें से ये दो आइटम्स को माइनस कर देंगे, तो हमारा बैंक पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आ जाना चाहिए। तो अब हम करते हैं 15,200, 9840, 8160 और 450। तो ये है स्टूडेंट्स 33,650। और दूसरी साइड भी आप लिख देंगे 33,650। अब 33,650 में से हम 18,000 बन रहा है, 18,000 हम इसमें से माइनस करते हैं, तो आता है 15,650, 15,650 बैंक का आ गया हमारे पास। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इजी था ना स्टूडेंट्स। अब हम थोड़ा सा और टिपिकल लेके चलेंगे, जिसमें ट्रांजैक्शन थोड़ी ही ट्रिकी होंगी। ये थोड़ा आसान लिया था, अब चलते हैं इलस्ट्रेशंस नंबर 9 लेते हैं, TS ग्रेवाल की बुक से। मैं अभी इसको वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर 12.18। अब ये इसमें हम अब रिवर्स चलेंगे, हम बैलेंस एज पर पासबुक लेके चलेंगे, और थोड़ी सी इसमें ट्रिकी ट्रांजेक्शन दी हुई हैं, इनको देखते हैं। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ श्री कृष्ण एज ऑन 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई करके दे रखी हैं कि कहाँ मिस्टेक्स हैं, कहाँ क्यों किस रीज़न से ये दोनों बैलेंसेस टैली नहीं हो रहे, आपका
बैंक बैलेंस और आपकी कैश बुक का बैंक बैलेंस क्यों टैली नहीं हो रहा, वो आपको रीजंस दिए हुए हैं। बैलेंस एज पर बैंक पासबुक एज ऑन डेट इज 10,000। 31 मार्च 2018 की डेट्स में हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। इसमें बैलेंस एज पर पासबुक ये दिया हुआ है 10,000। बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो इट मीन्स आपको कुछ नहीं लिखा है, तो ये फेवरेबल बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं। बैंक कलेक्टेड ए चेक ऑफ ₹500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्ण बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू श्री किशन अकाउंट अनदर कस्टमर। अब देखिए क्या मजे की बात हुई। आपने बैंक में चेक जमा किया श्री किशन के नाम ने, श्री किशन, बैंक ने उसे उसी मिलते जुलते नाम किशन के नाम में क्रेडिट कर दिया, आपको क्रेडिट नहीं किया। इट मीन्स आपने कैशबुक में ₹500 से डेबिट किया हुआ था, हमने अपने अकाउंट को प्लस किया हुआ था, बैंक ने अपने अकाउंट को प्लस नहीं किया। अब यहाँ पे हमारा टारगेट जो है कैशबुक पे पहुँचने का है। बैंक ने फेवरेबल अमाउंट दिखाया हुआ है ₹10,000, क्रेडिट बैलेंस दिखाया हुआ है। अब हमारा टारगेट हमें कैशबुक पे पहुंचना है, लेकिन कैशबुक का अमाउंट यहाँ पे दिया नहीं है, वो हमें खुद निकालना पड़ेगा कि कैशबुक में कितना होना चाहिए है। अब ₹500 जो हमारे अकाउंट में होने चाहिए थे बैंक ने किसी और अकाउंट में डाल दिए हैं, तो हमने तो अपने अकाउंट में ठीक एंट्री कर रखी है 500 से, तो आप यहाँ पे ₹500 ऐड कर दीजिए। कैशबुक की तरफ जाना ना, कैशबुक में ऐड हो रहे थे तो बैंक पासबुक में भी ऐड होंगे। इसमें लिख दीजिए चेक रॉन्गली क्रेडिटेड टू अनदर कस्टमर, टू अनदर कस्टमर। ठीक है, समझ में आया। एक बैंक की तरफ से एरर हुई थी जो पॉइंट आउट हुई है, और उसको अब हमने BRS स्टेटमेंट में ले लिया है। ₹500 हमने ऐड कर दिए हैं जो बैंक ने नहीं किए हुए थे। और अगली ट्रांजेक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स। बैंक डिपॉजिटेड एक कैश डिपॉजिट ऑफ ₹2589 एज 2598। कैश डिपॉजिट था 2589 और बैंक ने क्या कर दिया 2598। बैंक ने ₹9 ज़्यादा जमा कर दिए, बैंक ने ₹9 ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिट दिखा रखा है। हम कैश बुक में तो नहीं था, कैश बुक में तो एक्चुअल 2589 ही था, कैश बुक में कम था और बैंक बुक में ज़्यादा था। तो अब हमारा टारगेट अगर कैश बुक है, कैश बुक में ₹9 से कम था, तो हम यहाँ ₹9 को हम माइनस में दिखा देंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पे, एक्सेस क्रेडिटेड, एक्सेस क्रेडिटेड बाय बैंक ₹9। ठीक है, तो माइनस कर दिया हमने। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स। विड्रॉवल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाय ₹100। अब देखिए बड़ी ट्रिकी ट्रांजैक्शन है। ₹100 से बैंक पासबुक में विड्रॉवल कॉलम, विड्रॉवल कॉलम कौन सा होता है, डेबिट कॉलम है, उसका टोटल कम हुआ हुआ था ₹100 से, जबकि कैश बुक में तो ऑलरेडी टोटल हमने ₹100 से कम किया हुआ था। कैश बुक में ₹100 से टोटल ऑलरेडी कम था जो कि बैंक ने नहीं किया, और अब हमारा टारगेट अगर कैश बुक है, जैसा कि कैश बुक में हुआ हुआ है, उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लाना है। कैश बुक में ₹100 से ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है, तो हम यहाँ पे ₹100 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम अंडर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग ऑफ विड्रॉवल कॉलम, विड्रॉवल कॉलम। अगर टोटल ज़्यादा होता है तो हम लिखते हैं ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग मतलब कम हुआ हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,500 एज ऑन पेज नंबर 10 ऑफ द पासबुक वॉज रिकॉर्डेड ऑन पेज नंबर 11 एज ए डेबिट बैलेंस। अब देखिए कितनी बड़ी गलती करी बैंक ने। क्रेडिट बैलेंस था ₹1,500,
बैंक ने पेज नंबर 10 पे था, ये पेज बैंक ने पेज नंबर 11 पे उसको जब कैरी फॉरवर्ड किया तो उसको 1500 रुपीज़ को डेबिट बैलेंस कर दिया। अब इस एंट्री का कितना इम्पैक्ट पड़ा स्टूडेंट्स, अब क्रेडिट से लेकर आप डेबिट तक जाओगे तो हमारा डबल इम्पैक्ट पड़ गया, 3000 रुपीज़ का फ़र्क पड़ गया। तो बैंक ने 3000 रुपीज़ कम शो कर रहा है, जबकि कैश बुक में तो हमारा ठीक है, मतलब कैश बुक में हमारा प्लस हुआ हुआ है, बैंक ने उल्टा 1500 और माइनस कर दिए, तो 3000 रुपीज़ हमारे कम कर दिए कैश बुक में जो ऐड हुए हुए थे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और लिखेंगे एरर इन, किस तरह की गलती हुई है, कैरी फॉरवर्ड को कैरी फॉरवर्ड में हुई है, एरर इन कैरी फॉरवर्डिंग। क्यों ऐड हुए स्टूडेंट्स, दोबारा से सुन लीजिए, क्योंकि कैश बुक में ये ऑलरेडी एडेड थे, बैंक ने इसको ऐड नहीं किया था बल्कि और 1500 माइनस कर दिए, तो हमें डबल इम्पैक्ट 3000 का पड़ा, हमने भी फिर अब ऐड कर दिए क्योंकि हमें अब कैश बुक की तरफ जाना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं, द पेमेंट ऑफ ए चेक ऑफ ₹350 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। अब देखिए बैंक की तरफ से ही सारी गलतियां हो रही हैं, एक पेमेंट थी ₹350 की, पेमेंट थी डेबिट साइड में आनी चाहिए थी ₹350 की, बैंक ने क्या किया उसको दो बार दिखा दिया, एक बार दिखाना चाहिए था ₹350, एक बार और दिखा दिया, तो इसमें कितने की गलती है, इसमें एक बार तो ठीक ही था ना, एक बार की गलती है, एक बार ₹350 ये कैश बुक में तो एडेड ही है, हमने तो सिर्फ ₹350 लेस किए थे, तो आपको अब क्या करने पड़ेंगे, अब कैश बुक की तरफ जाने के लिए कैश बुक का बैलेंस ₹350 से ज़्यादा आ रहा है, तो आपको भी यहाँ पे फिर ₹350 ऐड करना पड़ेगा, और लिख दीजिए चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को ही आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और आप पहुँच जाएंगे जवाब तक। और आगे चलते हैं, द पासबुक शोड ए क्रेडिट फॉर ए चेक ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड बाय श्री कृष्णन अनदर कस्टमर ऑफ द बैंक। अब देखिए बैंक ने क्या मिस्टेक करी, एक कृष्ण था, बैंक का कोई कस्टमर है, अनदर कस्टमर है, उसने ₹1000 का जमा किया और बैंक ने हमारे को क्रेडिट कर दिया, तो कैश बुक में तो है नहीं है, कैश बुक में तो है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें फिर माइनस करना पड़ेगा ना, कैश बुक में तो आ ही नहीं रहा, पता ही नहीं है इस बारे में, तो आप कैश बुक के तरफ चलना है तो ₹1000 आप माइनस कर दीजिए अब, और लिख देंगे रॉन्ग क्रेडिट, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक। ठीक है, इसमें तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था इस ट्रांजेक्शन में, फिर से समझा देता हूँ, बैंक का कोई और कस्टमर है कृष्ण, उसने चेक जमा किया और बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो कैश बुक में तो इसका कहीं जिक्र नहीं था, तो हमको भी तो उसमें से हटाना पड़ेगा ना, तो फिर उसको माइनस कर दिया और लिख दिया हमने रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक। ठीक है, अब लास्ट एक ट्रांजेक्शन्स और है, इसको भी देख लेते हैं, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक ₹125, बैंक ने डायरेक्टली डिविडेंड कर लिया, ₹125 हमें क्रेडिट कर दिया, अब कैश बुक में तो पता ही नहीं है इस बारे में, तो अगर आप टारगेट कैश बुक का है तो अब उसको माइनस करना पड़ेगा हमें ₹125 से, क्यों माइनस करना पड़ेगा, बैंक ने कर लिया है हमारा, हम बैंक के पासबुक को लेके चल रहे हैं और हमें पहुंचना कहाँ है, कैश बुक के बैंक कॉलम पे, तो बैंक कॉलम में तो ₹125 है ही नहीं ना, तो हमको भी यहाँ से हटाने पड़ेंगे, तो आप लिख दीजिए डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। तो अब ये स्टूडेंट सारी एंट्रीज पूरी हो गई हैं, अब हम निकालते हैं हमारा कितना बैलेंस बच रहा है, अब जो बैलेंस आएगा वो हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, इसका टोटल कर लेते हैं 10,000, 3,500 और 350, 13,850, और इसमें से ये माइनस कर देते हैं हम 109 माइनस में 1,125, 12,616, 13,850 यहाँ पे भी लिख देते हैं,
ये जो हमारा बैलेंस आया, ये हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। आप इसको टैली करिए कितना आ रहा है। ये जो हमारा बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने पासबुक को लेके चले हैं, टारगेट हमारा कैश बुक था। इससे पहले हमने दो क्वेश्चंस किए, उसमें हम कैश बुक के बैलेंस को लेके चले और हमारा टारगेट था पासबुक। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन थी ही नहीं, आपको बैंक की पासबुक को लेके ही चलना था, क्योंकि आपको बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं दिया हुआ था। वो हमने अब निकाला, 12,616 रुपीज़। इसको आप चेक कर लीजिएगा, इतना ही बैलेंस आना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गए हों, और अगर अभी भी कोई डिफ़िकल्टी लग रही है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अभी हम आज के वीडियो में इतना ही है, अभी हम कल और करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट को लेके। जब बैंक का डेबिट बैलेंस ज़्यादा होता है, उस समय बैंक ने आपको फैसिलिटी दे रखी है ओवरड्राफ्ट की, उन क्वेश्चंस को लेके चलेंगे हम और समझेंगे। तो आप तब तक आप इसको समझ लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।